स्टूडेंट्स हमने अभी तक जो है लेवल्स ऑफ मैयरमेंट के चैप्टर में पढ़ा है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं यानी नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल और कॉन्टीन्यूस वेरिएबल क्या है फिर हमने इन वेरिएबल्स को जब मैयर करना होता है तो हमने कंसेपचुलाइजेशन और ऑपरेशनलाइजेशन की बात की है और हमने ये भी डिस्कस किया है कि कैसे हम एक अच्छा मैयर डिवेलप कर सकते हैं तो लास्ट जो मड्यूल था हमारा उसमें हमने एक वर्ड को पढ़ा जो था स्केल तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ अ स्केल स्केल इज अ क्लास ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा मैयर ऑफन यूज्ड इन सर्वे रिसर्च दैट कैप्चर्स द इंटेंसिटी डायरेक्शन लेवल और पोटेंसी ऑफ अ वेरिएबल कॉन्स्ट्रक्ट अलोंग अ कॉन्टिनें जब हम किसी वेरिएबल को मैयर करते हैं फॉर इंस्टेंस उसकी डायरेक्शन को मैयर करते हैं उसमें हम उसके लेवल को मैयर करते हैं या हम उसकी जो है इंटेंसिटी को मैयर करते हैं तो हम उसके लिए उसको मैयर करने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम स्केल कहते हैं फॉर इंस्टेंस मैंने ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट मैयर करना है मैंने किसी एक्शन की फ्रिक्वेंसी मैयर करनी है या मैंने कोई बिलीफ मैर करना है तो वो उस चीज़ को मैयर करने के लिए जो मैं अपना एक इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा, उसे मैं स्केल कहूंगा। कहूँगा स्केल कैन बी आ सिंगल इंडिकेटर और मल्टीपल इंडिकेटर इंस्ट्रूमेंट। स्केल में हो सकता है कि उसमें एक सिंगल इंडिकेटर हो और ये भी हो सकता है उसमें मल्टीपल इंडिकेटर्स हो तो जो पॉपुलर टाइप्स हैं स्केल्स की वो सोशल साइंस रिसर्च में ये पांच पॉपुलर टाइप्स हैं जिसमें पहला जो टाइप है उसका वो लिकट स्केल है फिर थर्स्टोन स्केलिंग है बुगाडस सोशल डिस्टेंस स्केल है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है और घटमन स्केलिंग इंडेक्स है इनको हम आने वाले मॉड्यूल्स में डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो स्केल जो है कैसा होता है स्केल जो है उसमें हम देखते हैं कि स्केल जो ऑपरेशनल डेफिनेशन की बेस पे हमने आ, एक वेरिएबल को मैयर करने के लिए डिफरेंट स्टेटमेंट्स बना ली उन स्टेटमेंट्स को हम आइटम भी कहते हैं तो एक स्केल में हो सकता है वो सिंगल कॉन्स्ट्रक्ट हो और उसमें आइटम्स हों वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स आ, याद रखिए स्केल में जो है वो एटलीस्ट टू और थ्री आइटम्स होना जरूरी है आ, एक स्केल में सिंगल आइटम नहीं होती और एक स्केल में मोर देन वन कॉन्स्ट्रक्ट्स भी हो सकते हैं दो कॉन्स्ट्रक्ट्स भी हो सकते हैं तीन कॉन्स्ट्रक्ट्स भी हो सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ सोशल कैपिटल की हम अगर रॉबर्ट पुटनम के अकॉर्डिंग सोशल कैपिटल को डिफाइन करें तो वो जो है उसकी दो बड़ी टाइप्स बनाता है ब्रिजिंग सोशल कैपिटल और बॉन्डिंग सोशल कैपिटल इन दोनों को मैयर करने के लिए आगे इनकी डिफरेंट आइटम्स डेवलप की जाती हैं और इसकी बेसिस पे हम जो है उसको मैयर कर पाते हैं यहाँ पे मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ फियर ऑफ कोविड नाइन्टीन स्केल की आ, ये स्केल फियर ऑफ कोविड नाइन्टीन को मैयर करने के लिए इन टू डेवलप हुआ और आ, ये जो स्केल है आ, ये ड्यूनी डाइमेंशनल इन नेचर है और इसकी सेवन आइटम्स हैं तो आइए देखते हैं कि वो सेवन आइटम्स कौन सी हैं तो इसमें जो फर्स्ट आइटम है वो है आई एम मोस्ट अफ्रेड ऑफ कोरोना वायरस नाइनटीन इट मेक्स मी अनकंफर्टेबल टू थिंक अबाउट कोरोना वायरस माई हैंड्स बिकम कामी वैन आई थिंक अबाउट कोरोना वायरस माई हार्ट फेसेज और पल्पेटेटेट वैन आई थिंक अबाउट गेटिंग कोरोना वायरस और आई कैन नॉट स्लीप बिकॉज आई एम वरिंग अबाउट गेटिंग कोरोना वायरस एंड वैन वॉचिंग न्यूज़ एंड स्टोरीज अबाउट कोरोना वायरस ऑन सोशल मीडिया आई बिकम नर्वस और एंशियस आई एम अफेयर ऑफ लूजिंग माई लाइफ बिकॉज ऑफ करोना वायरस अब अगर आप इन स्टेटमेंट्स को देखें कि जो मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रही हैं और मैंने रीड आउट करके भी बताई हैं इस तमाम स्टेटमेंट में हम एक नेगेटिव इमोशन को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर कोई भी इमोशन जो है वो पॉजिटिव इन नेचर नहीं है यानी हम किसी भी स्टेटमेंट की बात कर लें हम आ, आ, देख रहे हैं कि फिर क्या है अनकम्फर्टेबल मैयर कर रहे हैं हम बिकम कामी हार्ट पेसेज और पेलपेटिटेट कैन नॉट स्लीप और नर्वस और एंक्शियस होना और फ्रेड ऑफ लूजिंग माई लाइफ ये सारी नेगेटिव इमोशंस हैं इसमें से कोई भी पॉजिटिव इमोशन नहीं है तो इस वजह से ये यूनी डायमेंशनल है जो कि एक साइड की इमोशन्स को मैयर कर रहा है या एक साइड की डायरेक्शन को मैयर कर रहा है तो ये स्केल जो है फियर ऑफ करोना वायरस स्केल इसको एफ सी वी नाइनटीन एस वी कहते हैं ये क्वांटिटेटिव रिसर्च जो ग्लोबली हुई हैं मेंटल हेल्थ को असेस करने के ड्यूरिंग पेंडमिक uh, ये एक वाइडली यूज स्केल है अक्रॉस द ग्लोब इसके डिफरेंट uh, लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हो चुकी हैं इसकी अरेबिक ट्रांसलेशन उर्दू ट्रांसलेशन हिंदी ट्रांसलेशन और यूरोपियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन हो चुकी हुई हैं और जो सोशल साइंटिस्ट और प्रैक्टिशनर्स जो हैं अक्रॉस द ग्लोब जब वो मेंटल हेल्थ ऑफ द ड्यूरिंग कोविड नाइन्टीन मैर करने की बात करते हैं तो वो इस स्केल को यूज़ करते हैं इस तरह और बहुत सारे स्केल्स हैं जो कि अवेलेबल हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल है जैसे हमने इससे पहले रॉजनबर्ग सेल्फ स्टीम स्केल पढ़ा इसी तरह हम जो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का एक स्केल है उसको भी यूज़ कर सकते हैं इसी तरह एक और स्केल है जो डैस uh, है डिप्रेशन एंजाइटी एंड स्ट्रेस स्केल इसको डैस ट्वेंटी सिक्स कहा जाता है तो ये भी अवेलेबल है मेंटल हेल्थ को असेस करने के लिए इस तरह आपको किसी भी वेरिएबल से रिलेटेड जो अवेलेबल लिटरेचर है उसमें स्केल्स मिल सकते हैं तो जैसा कि हमने पढ़ा था हाउ टू डेवलप आ गुड मैयर में कि सोशल साइंटिस्ट की पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि वो अपने वेरिएबल को कॉन्सेपचुलाइज जब कर ले तो उसके अकॉर्डिंग उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन डेवलप करने के बाद उससे रिलेटेड ऑलरेडी डेवलप्ड स्केल देखे और उसको अडॉप्ट करे और ना कि उसको एक नए स्केल से मैयर करने की कोशिश करे इसका क्या फ़ायदा है कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड स्केल्स होते हैं वो जो है उनकी रिलायबलिटी ठीक होती है वो वैलिडेटेड स्केल्स होते हैं तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे reliability or validity